अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद आराई और आप देख रहे हैं साजिद आराई ऑफिशियल। व्यूअर्स, हाजिर हूं शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली और एवरग्रीन सुपरस्टार बाबरा शरीफ के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के साथ, पार्ट टू के साथ। इस टॉपिक के पहले पार्ट में आपने मुलाहजा किया कि पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली और एवरग्रीन सुपरस्टार पाकिस्तान की लेजेंड आर्टिस्ट बाबरा शरीफ के कंबाइंड वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में कि ये दुनिया फिल्म की वाहिद फिल्मी जोड़ी है जिन्होंने हीरो हीरोइन, बाप बेटी, मियां बीवी, बहन भाई, नाना नवासी और विलन हीरोइन के किरदार अदा किए हैं। ये दोनों लेजेंड आर्टिस्ट फिल्मों में मियां बीवी भी बने हैं, बाप बेटी भी बने हैं, बहन भाई भी बने हैं, सुसर बहू भी बने हैं, हीरो हीरोइन भी बने हैं, नाना नवासी भी बने हैं। तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दुनिया फिल्म में यूनिक है। पार्ट वन में हमने उन फिल्मों का जिक्र किया था जिनमें अदाकार मोहम्मद अली और लेजेंड बाबरा शरीफ ने बाप बेटी और नाना नवासी के किरदार अदा किए। वो फिल्में जिनमें मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ ने बाप बेटी के किरदार अदा किए उन फिल्मों में शामिल है फिल्म सलाखें, फिल्म बदलते रिश्ते, फिल्म महक, फिल्म तेरे बिना क्या जीना, फिल्म बारात। और वो फिल्म जिसमें इन दोनों लेजेंड आर्टिस्ट ने नाना नवासी का करेक्टर प्ले किया है उस फिल्म का नाम है सलाखें। तो आज आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं उस फिल्म का जिसमें मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ ने भाई और बहन का किरदार अदा किया। फिल्म बड़ा आदमी, हदायतकार शम्स चौधरी, मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ भाई बहन के करेक्टर में, और इस फिल्म में बाबरा शरीफ का पेयर था अदाकार शाहिद के साथ। भैया, खालदा, मैंने तेरी और अख्तर की सारी बातें सुन ली, तो उससे कहूं उसे बात करे। लेकिन भैया, मैंने बात खत्म कर दी है, मैंने फैसला किया है। मुतालिक फैसला करने का हक नहीं है खालदा, तेरे मुतालिक फैसला मैं खुद करूंगा। फीस इसमें सर तक की किताब आ जाएगी। क्या लगता है? ऑकवर्ड यानी अजीब बात, बुरी बात। मैंने तुझे हजार बार कहा है मुझसे अंग्रेजी मत बोला कर। वाह, इतने खिलाफ है अंग्रेजी के, तो फिर हमें अंग्रेजी पढ़ा क्यों रहे? खुदा तुझे तेरे नए घर में हमेशा खुश रखे। क्या सोच रहे हैं भैया? आज तू चली जाएगी, मेरे बस में हो तो तुझे कभी ना जाने। बाप बेटी, नाना नवासी और बहन भाई के किरदारों के अलावा मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ ने एक फिल्म में मियां बीवी का किरदार भी अदा किया। फिल्म नौकर, हदायतकार शबाब किरानवी, मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ फिल्म के सिर्फ एक ही सीन में मियां बीवी के किरदार में नजर आए। अगरचे इसी सीन में बाबरा शरीफ की डेथ हो जाती है, लेकिन ऑन स्क्रीन मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ एज अ मियां बीवी भी रजिस्टर हुए। अरे बीवी जी, नॉनसेंस बात क्यों निकाल रहे हैं? अरे बीवी जी, नौकरों से हर किस्म का काम कराने का यही नतीजा, राय ना दे कुछ साड़ी बनी। सलाम अलैकुम। साड़ी बनी। सलाम अलैकुम। रोटी कपड़ा मकान का कैसे पता चल गया? अरे बीवी जी, इसका तो आजकल बहुत झगड़ा पड़ा हुआ है, इसी के लिए तो पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि पढ़ने से इन तीनों चीजों में से कुछ नहीं मिलता, इसीलिए मैं उसे पढ़ा रहा हूँ जी, ताकि वो अपने आप को पहचान ले। अच्छा, तुम्हारी बहन पढ़ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ बाप बेटी, नाना नवासी, बहन भाई, मियां बीवी के अलावा
ससुर और बहू के किरदार में भी नजर आए। फिल्म दीवार, हदायतकार अमन मिर्जा। इस फिल्म में मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ ससुर बहू, जबकि इस फिल्म में बाबरा शरीफ का पेड़ था जावेद शेख के साथ। इस फिल्म में जावेद शेख ने मोहम्मद अली के बेटे का किरदार अदा किया है। फिल्म में जावेद शेख का डबल रोल है, एक रोल में वो मनफी किरदार में है जबकि एक रोल में वो हीरो है पुलिस ऑफिसर के करेक्टर में। और ये जो हीरो का करेक्टर है, ये करेक्टर मोहम्मद अली के बेटे का करेक्टर है जावेद शेख का। तो जावेद शेख और बाबरा शरीफ का फिल्म में पेयर है। जावेद शेख के बाप का किरदार अदा किया मोहम्मद अली ने। तो इस सेंस में फिल्म दीवार में मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ बने ससुर बहू। खोपड़ी अपनी भी घूम गया जालिम तेरा हुस्न देखकर। खा जावेद बेटा, मैंने ठीक कहा था ना कि वर्दी पहनकर चलो फूफी जान के पास। अब तो जावेद को इस मकाम पर देखकर यूं लगता है जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। काट के ही करो बेटा, बदल डाला अपना फैसला। मर भी गए तो मिलके जिएंगे हम दोनों का प्यार रहेगा। वर्ड्स, ये किस कदर यूनिक और बड़ा रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि शहंशाह जज्बात लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली और एवरग्रीन सुपरस्टार लेजेंड आर्टिस्ट बाबरा शरीफ फिल्मों में बाप बेटी, नाना नवासी, बहन भाई, मियां बीवी, ससुर बहू के किरदार करने के अलावा इन दोनों लेजेंड आर्टिस्ट ने एज अ हीरो हीरोइन भी स्क्रीन शेयर की है। फिल्म नशेमन, हदायतकार शबाब किरानवी और फिल्म में मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ एज अ हीरो हीरोइन। ये पहली बार था कि बड़े कद के बड़े अदाकार मोहम्मद अली और छोटे कद की बड़ी फनकारा बाबरा शरीफ फिल्म नशेमन में एज अ हीरो हीरोइन कास्ट हुए। कभी सोचा न था कटो कोई आंखें मिलाएगी, कभी सोचा न था कटो कोई आंखें मिलाएगी, कटो कभी सोचा न था कटो। हीरो हीरोइन तो चलो ठीक है, लेकिन हमें एक ऐसी फिल्म भी नजर आती है जिसमें मोहम्मद अली मनफी किरदार में है और फिल्म की हीरोइन है बाबरा शरीफ। फिल्म पहली नजर, हदायतकार असलम डार। इस फिल्म में मोहम्मद अली का मनफी किरदार था जो बाद में पॉजिटिव हो जाता है। फिल्म की स्टोरी कुछ यूं है कि मोहम्मद अली बाबरा शरीफ से मोहब्बत करते हैं लेकिन एंड में बाबरा शरीफ और उसकी फैमिली को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शरीफों का घर है, शरीफों का नहीं, ये जालिमों और कातिलों का घर। उसके बगैर जिंदगी बेकार है। क्यों ही ये तोड़ने तोड़ना अपने सुंदर सपने, सब चुप रहती है कहने ये जो कहती। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे सुल्तान राही के ऐसे ही अनोखे रिकॉर्ड कि वो कौन सी अदाकाराएं हैं जो फिल्मों में सुल्तान राही की हीरोइन भी बनी और बेटी भी। और पाकिस्तान में एक ऐसी अदाकारा भी है जिसने सुल्तान राही की बेटी का किरदार भी अदा किया और सुल्तान राही की माँ का किरदार भी अदा किया। तो ऐसे अनोखे और दिलचस्प रिकॉर्ड के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, साजिद आरई ऑफिशियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।